अभी भी इस दुनिया में इतनी औलादें हैं जो अपने माँ बाप को कष्ट देती हैं, अपने माँ बाप को नहीं पूछती हैं जब वो कामयाब हो जाती हैं। उसमें से एक है राजा ब्लॉग्स। जिस तरीके से राजा ब्लॉग्स के पापा का वीडियो आया है, उनकी हर एक बात में सच्चाई ही सच्चाई झलक रही है। वो इंसान जो कि इतना बूढ़ा हो चुका है, वो इस उम्र में षड्यंत्र रच के क्या करेगा? जिसका कि एक ही इकलौता बेटा है, वो अपने बेटे को घर से क्यों निकालेगा? राजा ब्लॉग्स की बातों में पहले से ही झोल समझ में आता था, क्योंकि जिस तरह से वो वीडियोस इंस्टाग्राम पे पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड करके झूठी कहानियां बनाते थे और अपने ही बातों में अपनी पोल पट्टियां खोलते थे, और सही बात है कि लोग उनको क्यों गलियाते थे, आज समझ में आ गया जिस तरीके से उनके पापा ने खुल के सच्चाइयां बोली। अब बूढ़े बुजुर्ग सोशल मीडिया पे तो है नहीं, उनको पता भी नहीं है कि यूज कैसे करते हैं। इसी बात का फायदा राजा ब्लॉग्स ने उठाया और अपने माँ बाप पे इल्जाम डाल दिया, और उनको लगा कि पूरी दुनिया यही जानेगी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। लेकिन नहीं, इस दुनिया में अभी भी बहुत भले लोग हैं जो माँ बाप से सच्चाइयां निकलवा निकलवा के बोल रहे हैं। जिस दामाद को, जिस घर के दामाद को राजा ब्लॉग्स ने बुरा बोला, उन्हीं के घर का दामाद यानी कि सुहानी का जो हस्बैंड है, जो राजा ब्लॉग्स की बहन है सुहानी, उसी पे वो सारा उनकी पोलम पट्टियां खोल रहा है और बता रहा है कि राजा ब्लॉग्स ने कैसे और किस तरीके से अपने माँ बाप को धोखा दिया, अपने परिवार को धोखा दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता ट्रुथ रिएक्शंस। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो बता दूं कि मेरा नाम अंकिता है और मैं रिएक्शन वीडियोस को बनाती हूँ। ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। सो अभी कोई राजा ब्लॉग्स के पापा का इंटरव्यू लेने पहुंचा था और उस इंसान ने उनसे सारी बातें पूछी जो कि हमें सुहानी के ब्लॉग्स में देखने को मिला। उन्होंने बोला कि क्या आपने राजा को घर से निकाला है? तो राजा के पापा ने बताया, बिल्कुल नहीं। अपनी औलाद को भी कोई बोला घर से निकाल सकता है? वो भी इकलौती औलाद, इकलौती वारिस है मेरी, उसको मैं घर से कैसे निकाल सकता हूँ? राजा के पापा ने इतना तक बताया कि राजा की मम्मी ने राजा के लिए कितने कर्जे काढ़े हैं। उनको पढ़ाइयां करना था, राजा बीए फेल है, लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं जाना था तो राजा की मम्मी ने सूद पर पैसे काढ़ काढ़ के राजा को दिए हैं कि आज उनके मम्मी पापा कर्जे भर रहे हैं जो कि राजा के लिए कर्जे लिए गए थे। वो जब भी जिद करते थे कि मुझे इससे मिलने जाना है, उससे मिलने जाना है, उनके पापा ने बोला कुछ भी वीडियो बनाता रहता था। जब भी कहता था कि कानपुर जाना है, इससे मिलने जाना है, उससे मिलने जाना है, उसके मम्मी पापा उसको पैसा दे देते थे जानने के लिए और सारी चीजें वो करने के लिए जो उसको मन का करना था। भाई सही बात है, जब घर में इकलौता बेटा होता है ना तो इकलौते बेटे का बहुत मान मर्जाद होता है। क्या इतने दिनों से वो माँ बाप बुरे नहीं थे? वो माँ बाप शादी के बाद ही कैसे बुरे हो गए? इतने दिनों से सारे माँ बाप ने ही किया और शादी के बाद माँ बाप बुरे हो गए, खराब हो गए? इस बातों का जवाब भी राजा के पापा के पास था। ये सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने बोला कि राजा का पलटने का कारण है उसकी शादी, उसकी बीवी और उसका ससुराल, क्योंकि उन लोगों ने क्या तो मन्नत मांगी थी राजा के ससुराल वालों ने किसी किन्नर से कि जब राजा हमारी तरफ हो जाएगा पूरी तरह से तो हम जाके उनकी पूजा करेंगे और पता नहीं क्या क्या चढ़ाएंगे और देंगे। तो वही काम हुआ। उन्होंने बोला राजा के पापा ने कि राजा की जो बीवी है वो जादूगरनी है, जाके तरह तरह के तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करवाती है, और यही काम उनके परिवार वालों ने किया था और उनकी मन्नतें पूरी हो गई। उसके बाद उन्होंने उस किन्नर को जाके बहुत सारा पूजा दीप धूप आरती वगैरह किया है, बहुत सारी चीजें दान करी है। और तो और राजा के पापा ने ये तक बोला कि राजा के ससुराल वालों ने बोला है कि इतने दिनों से तुमने राजा का पैसा खाया, अब हम इसका पैसा खाएंगे, अब हम इसकी कमाई खाएंगे। बहुत सारी चीजें लिखा पढ़ी करवा लिए, लिखा पढ़ी से मतलब कि उन लोगों ने लीगली सब स्टैम्प वगैरह साइन सिग्नेचर वगैरह करवा लिया है कि राजा अब हमारे पास रहेगा, राजा अब हमारे घर रहेगा। मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक बूढ़े माँ बाप राजा के पापा सामान ढोने का काम करते हैं जिनको 400 रुपए मजदूरी मिलती है रोज की। अब आप सोच सकते हैं ऊपर से कर्जा भी लिया गया है जो कि राजा की वजह से लिया गया है। वो माँ बाप को छोड़ के इतने इस समय में इस बुढ़ापे में छोड़कर वो इंसान आज इतना पैसा होने के बाद जाके ससुराल वालों के पास रह रहा है, उनकी खुशामदी कर रहा है, लेकिन अपने माँ बाप उसको नजर नहीं आ रहे। वाह रे जमाना, मतलब क्या बोले, मतलब क्या ही बोले।
बहुत बुरा लगता है मुझे जब मैं किसी ऐसे लोगों को देखती हूँ ना, लाचार और बेबस, कि उनकी औलादे उनको इस उम्र में छोड़कर चली जाती हैं और वो माँ बाप इस तरीके से बोल रहे हैं आज कि उस इंसान ने जब पूछा राजा के पिता से, जो भी इंटरव्यूअर था जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, कि आप अब क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला अब क्या करेंगे, अब बेटा नहीं करेगा तो बेटियां सहारा बनेंगी, बेटियां करेंगी हमें, बेटियों से उम्मीद रखना है। मतलब लोग अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं, पर शादी के बाद कोई भी बेटा अपने माँ बाप से ऐसे कैसे रिश्ते नाते तोड़ सकता है। यहाँ पे राजा के पापा ने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया कि आपने क्या जहर देने की कोशिश की थी, आपकी जो वाइफ है क्या उन्होंने जहर देने की कोशिश की थी। तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, ये बातें सरासर गलत है, कोई भी अपने औलाद और वंश को बढ़ाने वाली को क्यों जहर देगा, जहर हमें देना था तो हम तब नहीं दे सकते थे जब राजा ने अपने पसंद की शादी की, जब राजा खुद अपनी मर्जी से लव मैरिज करके लाया। सोचिए आप कि जिसकी बीवी का पास्ट इतना ज्यादा खराब है, जिसकी बीवी ने हर जगह जिसकी बीवी बदनाम है कि उसके पुराने ससुराल में भी उसके ही ससुर जी ने उसके बारे में क्या क्या चीजें बोली, कि वो पैसे यहां से लेती थी, सर्विस राजा को देती थी, ये सारी चीजें बोली। जिसका खुद का पास्ट खराब है वो राजा अपनी बीवी पे भरोसा करके अपने माँ बाप को धोखा देके चला गया। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा इंसान है, कैसा, अब इंसान तो मैं नहीं बोलूंगी, कि कैसी उसकी वाइफ है जो अपनी वाइफ की बातों में आ गया। क्या सच में उसकी वाइफ ने जादू टोना कर दिया है राजा पर? मतलब जीवन भर उन माँ बाप ने राजा की जो कामयाबियां नहीं थी, फेलियर्स को झेला, उसके फेलियर्स में पैसे लगाए, और आज जब उनका बेटा कामयाब हुआ, चार पैसे का मालिक हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ कि माँ बाप फक्र कर सके, तो क्या बीवी के भड़काने में राजा ब्लॉग्स आके अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया अपने ससुराल और अपने सास ससुर की बातों में आकर ये सारी चीजें बोलता है? मतलब कोई भी इंसान, कोई भी ऑडियंस राजा ब्लॉग्स को गालियां इसलिए देता है क्योंकि वो अपने माँ बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। और तो और हमने ये सब भी देखा जो फेक वीडियोस बनाया था ना उसने, कि ऐसे वैसे वो वीडियोस बना रहा था और अपनी माँ को बुलवा रहा था, ये साफ साफ वीडियोस में दिख रहा था, जो वो वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए, वहां पे उन्होंने कितनी सारी चीजें लड़ाइयों में बोली है जो कि अपने क्लिप्स को उन्होंने काट दिया था और अपनी माँ की बातों को एडिट कर करके दिखाया था कि मेरी माँ बुरी है। पर ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो राजा ब्लॉग्स के चाल को समझ नहीं पाई कि उस वीडियोस को उन्होंने किस तरीके से और कैसे कैप्चर किया था। और तो और राजा के पापा ने इतना बड़ा पोल खोला कि जो राजा ब्लॉग्स दिखाते थे, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, माँ बाप ने ये कर दिया। राजा ब्लॉग्स के पापा ने कहा कि हमसे ये एक्टिंग करवाता था कि झाड़ू लो और मुझे बोलो घर से जाओ गुस्से में। अब हम लोगों को क्या पता है कि ये सब क्या कर रहा है क्या नहीं। सही बात है, पहले जमाने के माँ बाप, हम लोगों को क्या ही पता है कि सोशल मीडिया पे क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। और उसी क्लिप को राजा ब्लॉग ने पेश करके दिखाया कि देखो मेरे माँ बाप घर से निकाल रहे हैं मुझे, जबकि सच्चाई कुछ और ही है, इसको बनवाया गया था। तो क्या राजा का पहले से इंटेंशन था इन सारी चीजों को करने का, लेकिन दुनिया उन पे ब्लेम न डाल सके इसीलिए उन्होंने अपने माँ बाप को बुरा बनाया, ये सारी चीजें करवा के ताकि मैं दुनिया के सामने पेश कर सकूं? लेकिन कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो समझ ना पाए। भाई सही बात है, जो इकलौता बेटा है, जब माँ बाप ने अपनी मर्जी से शादी करने के लिए राजा ब्लॉग्स को नहीं रोका, तो क्या ये सारी चीजें करने के लिए वो घर से निकाल देते? नहीं निकालते ना। समाज में ऐसी औलादे ही हैं जो अपने माँ बाप का सर झुकाती हैं, समाज में ऐसी औलादे ही हैं, इस तरह की औलाद ही है जो अपने माँ बाप के दुखों का कारण बनती है, कि आज उस माँ बाप को किसी का सहारा नजर नहीं आ रहा, कि इतना बड़ा अमीर बेटा है जिसके पास क्या नहीं है, फिर भी वो बाप मजदूरी करके 400 रुपए रोज का कमा रहा है। अब उस माँ बाप से भी बदनसीब कोई माँ बाप नहीं होगा और राजा ब्लॉग को उनकी बददुआओं से कोई बचा नहीं सकता है। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।